मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अशोक सिंह जमीन से जुड़े हुए और अनुभवी नेता हैं। अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के फैसले के लिए हम सभी केंद्र नेतृत्व के आभारी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि ग्वालियर में सिंधिया का किला ध्वस्त करने में अशोक सिंह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इससे चंबल में एक नई शुरुआत होगी। अशोक सिंह ने भी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी का आभार व्यक्त करते हैं कि एक जमीनी आदमी को जिन्होंने पिछले 30-35 साल से 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की और उनके जो चार पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरा विधायक दल, सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठजन, सारे यहां उपस्थित नेतागण सब एक साथ हम नेतृत्व का आभार करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को यादव जी को बनाया गया तो यूपी और बिहार के हिसाब से बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया जी के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक शेयर दिया अशोक सिंह जी की तरफ से, तो निश्चित तौर से हमारे चंबल में एक नई शुरुआत होगी और सिंधिया का जो किला है उसको ध्वस्त करने में अशोक सिंह जी एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता है। मैं हृदय से आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और हमारे मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार और हमारे प्रभारी भगवत जितेंद्र सिंह जी और सबका हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक चुना है। एक छोटे से कार्यकर्ता को यह सम्मान दिया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं उनकी उम्मीदों के अनुरूप काम कर सकूँ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।